तो गाइस यार ये है इनो और ये है बिस्किट। और जब इनो वाटर के अंदर बिस्किट को डुबाया जाता है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन निकल कर सामने आती है, और वही रिएक्शन मैं आप करने वाला हूँ आज आपके सामने। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस यार इसके लिए हम लेते हैं ये दो गिलास, और अभी इसके अंदर डाल लेते हैं ये नॉर्मल पानी, और अब एक गिलास के अंदर हम डाल लेते हैं ये इनो, और एक को रखेंगे नॉर्मल ताकि दोनों में हमें डिफरेंस पता चल जाए कि नॉर्मल पानी के साथ क्या रिएक्शन होती है और इनो पानी के साथ में क्या रिएक्शन होती है। इसके अंदर ये डाल लेते हैं, और ये रिएक्शन तो होती है पानी के अंदर इनो डालने इस पर, तो इसको थोड़ा मिला लेते हैं। तो ये मिल गया है, अब इसके अंदर हम डालते हैं ये बिस्किट। पहले हम नॉर्मल वाले पानी के अंदर ये बिस्कुट डालते हैं, और ये देखिए आप ये तैर रहा है, और देखते हैं कितनी देर तैर सकता है ये। और ये देखिए इसे लगभग 5-7 सेकंड ये पानी के ऊपर तैरा होगा, और ये फिर डूब गया नीचे। और अब इनो वाले पानी के ऊपर ये बिस्किट डालते हैं, और इसे देखते हैं कितनी देर में डूब पाएगा पानी के अंदर। देखते हैं और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पानी के अंदर तो इतनी देर में बिस्किट डूब चुका था, लेकिन इनो पानी के अंदर ये अभी तक भी नहीं डूबा। तो अब इसे चम्मच में थोड़ा गोड़ने की कोशिश करता हूँ, और ये देखिए इसे डूबने के बाद में भी ये वापस ऊपर आ जाता है। टुकड़े टुकड़े नीचे गए हैं, लेकिन फिर से वापस ऊपर आने लग गए हैं, और ये तो पूरा नीचे बैठ गया है। तो ये होती है इसके अंदर दिमाग घुमा देने वाली रिएक्शन। ये सब पानी की डेंसिटी के कारण होता है। साधारण पानी का घनत्व बहुत अधिक होता है और इनो पानी का घनत्व बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें बिस्किट तैरने लगता है। तो गाइस यार ये होता है जब इनो पानी के अंदर बिस्किट को डुबाया जाता है तो इतनी अमेजिंग रिएक्शन सामने आती है। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, ऐसी ही और भी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदुस्तान।